बाढ़ आ रही है, सुकिया ने कहा। बिसे शेर ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लगा। बाढ़ आ रही है? क्या बिसे शेर ये नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस उमस रही उत्तर ओर, हिमालय की तराई में जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या ये सूचना नहीं देते थे कि बाढ़ आएगी ही? बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज है? बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चौर में है उसका ये गांव। 4 महीने तक तो ये एक टापू ही बना रहता है। बिसे शेर को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग साहनी। बूढ़े प्रयाग साहनी इसी तरह एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने बिसे शेर को पुचकार कर बुलाया। आओ बेटे, एक नया खेल सिखा दें तुम्हें। और सचमुच खेल खेल में उन्होंने बिसे शेर को क्या क्या नहीं सिखला दिया। जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का तागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही ना मिले। प्रयाग साहनी ने मछली मारने के सारे गुर बिसेसर को बता दिए। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, वे बिसेसर को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चौर की ओर, दिन में ही नहीं अंधेरी रात को भी। डरना मत बेटे, बाढ़ में देवी देवता होते हैं, भूत पिशाच नहीं। जब नाव बीच चौर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता और नाव की मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एक टक घूरता। बिसेसर को याद नहीं कि कभी उसके दादा का निशाना चूक गया हो। प्रयाग साहनी ने बिसेसर को नाव के बारे में भी बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए, वहां तक। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रयाग साहनी कहा करते। बेटे, बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी देते हैं। बाढ़ नहीं आए तो मछली कहाँ से आएगी? और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या उसमें बाढ़ की देन नहीं है? 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर, बिसेसर को कभी अनाज नहीं खरीदना होता। हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी सोने के रंग वाली। ज्यों ही उसमें धान रोपिए, देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो। बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रयाग साहनी आज भी बिसेसर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे हो। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है? ये बाढ़ नहीं आई, जैसे जंगल का बाघ आया, उछलता कूदता गरजता तरजता। लोगों ने अलग से देखा, 3 हाथ ऊंची पानी की दीवार जैसी दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, खड्डों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती पाटती तोड़ती। लोग भगे, हलवाहे हल बैल लेकर भगे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भगे, जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा। पानी गांव में घुस गया। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है। बिसेसर दरवाजे की चीजों को सहेज रहा था, ढेरों को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभालता कि दूसरे को संकट में देखता। उधर आंगन में सुकिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ाया, दौड़ो हो। बिसेसर कहां कहां दौड़े, क्या क्या बचाए। पानी बढ़ता गया बढ़ता गया, बाहर की सारी चीजें भीग गईं, भीतर की भीग रही हैं, कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वो। अंत में तो ऐसा लगा कि उसकी ये झोपड़ी भी कहीं बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर।
गांव का ये नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, चारा ईंधन लेकर लोगों ने इस नुनफर की शरण ली है। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुकिया की बात सुनकर बिसेसर झल्लाया। जहां पहले हाहाकार था वहां अब चीत्कार है, आर्तनाद है। लेकिन रोने धोने से होता है क्या? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग साहनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वो उतनी ही तेजी से भागती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग ही गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई है। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़ाधड़ गिरने लगी। चारों ओर ढू ही ढू, मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगले दिन कैसे कटेंगे, सारे गांव में मायूसी है। सुकिया उदास है। बिसेसर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी, ये क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं, बिसेसर इस तरह बैठा बैठा झीकता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे। बिसेसर जांगर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा। पुट्ठे किस काम के यदि ये संकट में काम नहीं आए। बिसेसर ने कुदाल उठाई। घर में, दरवाजे पर, जहां जहां कीचड़ जमा थी साफ कर दिया। फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोर कर एक खड्डे में डाल दिया। खाद भी बनेगी ये। जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। सुकिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर बिसेसर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा, मेड़ों को दुरुस्त किया, खड्डों को भरा। वह खेतों में फिर धान रोपेगा। जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी। दिन भर वह कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है चौर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़। लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई है। लेकिन बिसेसर हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चौर में। बिसेसर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। एक दिन सुकिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। फिर रिलीफ आई है? भूकंप के साल भी आई थी, रिलीफ का क्या मानी होता है तू समझती है? मैं क्या जानू, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। जो जाते हैं जाने दे, रिलीफ मानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखो मर जाना मगर भीख मत मांगना। लोगों को भीख मांगने दे, तू इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन बिसेसर अचल अडिग अपने काम में जुटा है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हुसली दे, बंधक रखकर कुछ पैसे ले आऊं और बीज खरीद कर धान रोप दूं। सुकिया उज्र कर सकती थी, लेकिन उसने हंसकर हसली उतार दी। हसली हाथ में रखते ही बिसेसर की आंखें छलछला आई। यह पहली बार है जब उसे बीवी का गहना बंधक रखना पड़ा है। लेकिन वह तुरंत और हंसकर बोला, भगवान मालिक है सुक्को रानी, फसल आएगी और हसली के साथ सूद में करण फूल भी लाएगी। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते बिसेसर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लादकर पहुंचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसकी बगल में सुकिया है। सुकिया यो तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा। और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियरी आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अतः वह भी जुटी है, डटी है। हरे हरे धान के बीज जमीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हों। बिसेसर खेत रोप रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है। समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है।
उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये बीज लहलहा उठेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज आ रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता जा रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। सुकिया का ध्यान ऊपर गया, वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देख, हमारा काम जमीन देखना है। हम जमीन देखें, वे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। और सचमुच उसकी नजर ऊपर नहीं गई, वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा।